एनीमिया मुक्त भारत का संदेश देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा काम किया जा रहा है। तो वहीं इस बीमारी से लड़ने के लिए महानगर के अनेक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा संदेश देने का प्रयास भी किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम WIFS साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का दिनांक 20/1/2020 को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को आयरन की गोलियां खिलाई गईं तथा समाज को संदेश देने के लिए छात्रों ने अपनी अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों में आदि गुप्ता, विशाल कुमार सिंह व रमेश राणा ने डॉक्टर नवनीत गोस्वामी के निर्देशन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीर सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर रईस अहमद, पंकज कुमार शर्मा, डॉक्टर राजीव व समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। एनीमिया मुक्त भारत मिशन के अंतर्गत वयस्क बालक व बालिकाओं में एनीमिया रोग पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लगभग 12 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें स्कूल जाने वालों की संख्या 8 करोड़ व स्कूल न जाने वालों की संख्या 3 करोड़ है। कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। वर्तमान समय में भारत में 20-22% बालक व 50-55% बालिकाएं एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं। एनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ है, शुरुआत हुई है चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये चाइल्ड एंड फैमिली डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में जितने भी एनीमिया से मुक्त पीड़ित हैं युवा, उनको एनीमिया से मुक्त कराना है। और हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत अधिक हो गया है। बालक में जब जहाँ पे ये 20-25% के बीच में है, यानी 20-25% बालक जो है वो एनीमिया से पीड़ित हैं, ठीक इसके विपरीत बालिकाओं में ये परसेंटेज डबल है, वो लगभग 50-55% हैं। यानी बालिकाओं के लिए हमारे देश में ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये योजना चला रहे हैं और इस योजना की कामयाबी ये है कि पूरे भारत में इस योजना से 12 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 12 करोड़ में 8.5 लाख ऐसे हैं जो स्कूल जाने वाले, यानी हमारे देश का युवा जो स्कूल जाता है वो अब इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर वो इस बीमारी से लड़ने में पूरी तरह से कामयाब होगा तो निश्चित रूप से वो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम इस केंद्र सरकार की इस योजना को तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को चलाने में हम मीडिया के भी आभारी हैं, क्योंकि मीडिया जितनी ये सूचना समाज के हर सेक्शन में जब पहुँचाएगी तो उससे हर सेक्शन जागरूक होगा, और जब हर सेक्शन जागरूक होगा तो मीडिया भी अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से करने से संतोष महसूस करेगा और ये देश बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है और इसको समूल नष्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम जितने स्वस्थ होंगे हमारा देश उतना स्वस्थ होगा, हमारे प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा और हम दुनिया में एक अच्छे मकाम पर पहुँचेंगे।